बिजली चोरी कर रहे व लंबे समय से बिजली बिल नहीं भर रहे उपभोक्ताओं पर बिजली निगम शिकंजा कसने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए विजिलेंस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विजिलेंस की टीम बिजली चोरी पकड़ने के साथ साथ उन लोगों पर कार्यवाही कर रही है जिन्होंने लंबे समय से अपना बिजली बिल नहीं अदा किया है। निगम द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं को अपने रिकॉर्ड में डिफॉल्टर घोषित किया हुआ है, लेकिन अगर अब यह बिल नहीं भरेंगे तो इनका बिजली कनेक्शन कटना तय है। विजिलेंस की टीम प्रतिदिन क्षेत्र के गांवों में छापेमारी कर रही है। टीम के साथ बिजली निगम रादौर के अधिकारी व पुलिस भी मौजूद रहती है। बिजली निगम रादौर के SDO शमशेर सिंह का कहना है कि सरकार की ओर से बिजली बिल ना भरने वाले लोगों पर सख्ती करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके तहत विजिलेंस टीम ने एक्टिविटी शुरू कर दी है। दिन रात छापेमारी की जा रही, जिन्होंने लंबे समय से बिजली बिल नहीं भरा है उनके कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जा रही है। बिजली बिल ना भरने वालों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह समय रहते अपना बिजली का बिल भरे ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी पकड़ने व जो उपभोक्ता लंबे समय से बिजली बिल ना भर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार की ओर से सख्त कार्यवाही के आदेश दे दिए गए हैं। टीम के साथ मिल दिन रात छापेमारी कर कार्यवाही की जा रही है। बिजली निगम रादौर से मिले आंकड़ों के अनुसार ऐसे कई उपभोक्ता हैं जो लंबे समय से बिजली बिल नहीं भर रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं पर हजारों से लेकर लाखों रुपए का बिजली बिल बकाया है। लंबे समय से बिल ना भरने वाले उपभोक्ताओं को बिजली निगम ने अपने रिकॉर्ड में डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। बिजली निगम रादौर में घरेलू फीडर से जुड़े करीब 39,000 उपभोक्ता हैं, जिसमें 4200 उपभोक्ता लंबे समय से अपना बिजली बिल नहीं भर रहे हैं। इन पर करीब 8 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है जो अब निगम के रिकॉर्ड में डिफॉल्टर हो चुके हैं। वहीं कृषि से जुड़े करीब 7700 उपभोक्ता हैं, जिनमें 216 उपभोक्ता लंबे समय से बिजली बिल नहीं भर रहे हैं, जिन्हें जो निगम के रिकॉर्ड में डिफॉल्टर हो चुके हैं। इनके ऊपर करीब 46 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया है। वहीं डिफॉल्टरों में सरकारी महकमे नहीं है, उन पर भी निगम का करोड़ रुपए बकाया है। ये एक्टिविटी विजिलेंस की और साथ में हमारे स्टाफ की, तो ये एक्टिविटी रात में भी जारी रहेगी, सुबह भी पकड़ेंगे, रात में भी पकड़ेंगे। और हमारा मकसद ये है क्योंकि हमारा मीटर भरा है, हमने नहीं किसी के घर में जाना ना किसी के उसमें जाना है, हमने सिर्फ अपना मीटर चेक करना है। जिसका मीटर बंद पाएगा उसका मीटर को फिर उसको उतारेंगे और उतार के उसको बनाएंगे, फिर हम केस बनाएंगे। इसलिए मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से भी सभी उसको कंज्यूमरों को ये सलाह है भाई चोरी ना करें और अपना टाइमली अपना बिल भरें, और जिसमें कि देश हित में भी अपना और अपने खुद के हित में भी होगा। और इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है, अच्छा रिस्पांस हमें आ रहा है, हमारा डिफॉल्टिंग भी हमारी क्लियर हो रही है। टोटल इस सब डिविजन में जो 40,000 कनेक्शन है मेरे पास, तो लगभग 6,000 के करीब कनेक्शन मेरे यहाँ शहर में है, बाकी फील्ड में। हाँ, और अगर डिफॉल्टर्स की बात की जाए, क्या उनमें सरकारी डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं? जी, इसमें डिपार्टमेंट भी, सरकारी डिपार्टमेंट भी है, जिनको मैंने बार बार नोटिस भी दिया है। और उसके लिए मैंने तो हमारे जैसे पब्लिक हेल्थ है, उदाहरण के तौर पर पब्लिक हेल्थ का मेरा 3 करोड़ रुपये खड़े जी, तो उनको मैंने बार बार नोटिस भी दिया है भाई कल ना आपका कनेक्शन कटेगा। कनेक्शन कटेगा तो आम बात है जनता को दिक्कत होगी, तो मैंने जो एक्टिंग MLA है उनसे भी मैंने संज्ञान में बात लाई है भाई इनको यह कहा जाए, और अपने अफसरों को SC को एक्शन साहब को इनको भी मैंने अपने संज्ञान में बात लाई है भाई इतना पैसा है पर, तो एक्शन से या SC पब्लिक हेल्थ से, SC एक्शन पब्लिक हेल्थ से इनसे बात करके और तुम्हारा डिफॉल्टिंग निकलवाया जाए ताकि आम पब्लिक को दिक्कत ना हो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।